सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। वाराणसी के काशी में गंगा चेतावनी के निशान से 12 सेंटीमीटर दूर, तीन दिन बाद 116 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर, शहर में घुस रहा गंगा का पानी। सहारनपुर में कैराना सांसद ने इब्राहिमी रेलवे फाटक पुल का किया शिलान्यास, 49 करोड़ की लागत से होगा तैयार। औरैया में व्यापारी और पत्नी बेटे की गोली लगने से मौत, घर में एक साथ मिले तीन शव, पास में पड़ी मिली लाइसेंसी रिवॉल्वर। मेरठ के रोड रेंज में की गई किराना व्यापारी की हत्या, नमाज पढ़ने जाते समय हुआ था विवाद, व्यापारी की पहले गर्दन काटी फिर गोली से मारी। चित्रकूट में एटीएम चोरी करने वाले चोर, एटीएम में नहीं था पैसा, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। फिरोजाबाद में वृद्ध को 10 साल की सजा, टॉफी दिलाने के बहाने 4 साल की मासूम के साथ की थी छेड़खानी। ललितपुर में मकान गिरने से दो सगी बहनों की मौत, मलबे में दबे मां बेटी घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में दो बच्चों को पीटा, हैंडराइटिंग खराब होने पे की पिटाई, छात्रा की आंख में आई गंभीर चोट। आगरा में रुपए मांगने पर फास्ट फूड संचालक को पीटा, बचाने आए दुकानदारों को भी सड़क पर गिराकर पीटा, 5 लोग को आई चोट। प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब गंगा यमुना, अब चढ़ा पानी तो बेघर होंगे 5 लाख आबादी, बाढ़ क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार। जेएनयू कुलपति की गाजियाबाद पुलिस ने की शिकायत, लोनी विधायक ने की रासुका लगाने की मांग। बुलंदशहर में युवक ने की जेई को पीटा, बचाने आई पत्नी से भी किया अभद्रता, बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज कराने से था नाराज। जौनपुर में दो डॉक्टर पर गैर हत्या का केस दर्ज, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन और डिग्री नहीं, लापरवाही में हुई थी मौत। गाजीपुर के तटवर्ती इलाके में बाढ़ का खतरा, 22 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंगा का जल स्तर बढ़ा, प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को किया अलर्ट। उन्नाव में पुलिस की लापरवाही, गंगा घाट कोतवाली में मुकदमा लिखने का मिलता है टारगेट, व्हाट्सएप पर दिया जाता है आदेश। मैनपुरी में रेप के आरोपी को 2 साल की सजा, 5 साल बाद मिला पीड़ित परिवार को न्याय, 4 साल की मासूम के साथ किया था रेप। सहारनपुर में सरसावा रेलवे ट्रैक पर पलटी ट्रॉली, तला हादसा, 1.5 घंटा खड़ी रही हेमकुंड एक्सप्रेस, रेलवे फाटक पर टूटा ट्रैक्टर ट्रॉली का गुल्ला। राष्ट्रपति की बेटी के नाम बनाया फर्जी ट्विटर अकाउंट, नोएडा में इंजीनियर है युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पर्यटकों को आकर्षित करेगा कन्नौज का परफ्यूम पार्क, 57 एकड़ जमीन में हो रहा निर्माण, इत्र कारोबारियों को मिलेगा प्लॉट। ग्रेटर नोएडा के रेस्टोरेंट में चल रहे रेप पार्टी, पुलिस ने मारा छापा, विदेशियों को किया गिरफ्तार, नशीले पदार्थ मिला।
अग्निवीर बनने के लिए युवाओं की भीड़, यूपी में 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, बरेली सेंटर पर चल रही भर्ती। गोंडा में कोर्ट परिसर ने दिया महिला को 3 तलाक, दहेज मामले में आई थी तारीख, पति समझौते का डाल रहा था दबाव। फिरोजाबाद पुलिस के गले में फांस बना दिव्यांग हुआ हत्यारोपी, जेल से लौटाया अस्पताल में कराया भर्ती। मैनपुरी में छत पर मिली फर्नीचर कारोबारी की लाश, जगाने गए परिजनों ने देखा खून से सना शव, कमर में लगी थी गोली। भदोही में फिर से बढ़ रही गंगा, 24 घंटे में 2 मीटर तक चढ़ा जलस्तर, तटवर्ती क्षेत्र में बढ़ रहा खतरा, प्रशासन अलर्ट। कानपुर में ग्रामीण पर महिला बरसाए डंडे, 7 बार किया हमला, बचाने आई बेटी को दिया धक्का, जान की भीख मांगता रहा परिवार। अहमदाबाद वाराणसी फ्लाइट ने 8.5 घंटे लेट भरी उड़ान, फर्श पर लेट गए यात्री, अफसरों से हाथापाई की नौबत। सुल्तानपुर में इमाम सज्जाद की याद में निकला जुलूस, अंजुमन ने पेश किया नौहा मातम, मौलाना बोले आज भी जिंदा है नामी अली। सीतापुर में 20 सड़क ड्राइवर को पीटा, ओवरटेक करने के दौरान ट्रक से टकराई, पुलिस से भी अभद्रता की। जालौन के स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल, गोली लगी महिला का जमीन पर ही शुरू कर दिया इलाज, दौरान सीएससी का मामला। औरैया में तेज रफ्तार डीसीएम ने ट्रेलर के पीछे मारी टक्कर, टक्कर से डीसीएम चालक व परिचालक गंभीर रूप से हुए जख्मी। बलिया में ग्राम प्रधान पर लगा पैसा छीनने का आरोप, असहाय वृद्ध महिला ने लगाया आरोप। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में पेड़ से लटका मिला युवती का शव, पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में विधान परिषद समिति के सभापति विद्यासागर सोनकर का बड़ा बयान, कहा सपा बसपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हरदोई में 2 परिवारों की लड़ाई को अराजक ने बताया निशाना, गांव से पलायन करने को मजबूर है परिवार। कानपुर नगर विभाग व स्वास्थ्य विभाग के लचर रवैये से परेशान स्थानीय लोगों ने चस्पा योगी जी डायरिया से बचाओ के पोस्टर। कुशीनगर में सपा को लगा बड़ा झटका, कसिया नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि कैफून अली उर्फ मजनू बसपा में हुए शामिल। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, मोहम्मदी नगर में संक्रामक बुखार से 1 हफ्ते में 6 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। मथुरा पर पुलिस महानिदेशक विनोद कुमार ने श्री कृष्ण जन्म स्थान एवं ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, सुझाव सरकार को दे दी। संभल में भरभराकर गिरा निर्माणाधीन लेंटर पर काम कर रहे आधा दर्जन मजदूर मलबे में दबकर हुए घायल। कानपुर में मुफ्त सरकारी राशन के लिए मौत की दावत दे रही ग्रामीण, 30 सालों से पेट आग बुझाने के लिए मौत का दरिया पार करते हैं ग्रामीण।
यूपीएसएससी अभ्यर्थी का हल्ला बोल, लखनऊ में अभ्यर्थियों का ज्ञापन को लेकर पिकअप भवन का किया घेराव। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल मिली युवती, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजन युवती को इलाज के लिए ले गए अस्पताल। औरैया में पहुंचे एडीजी जोन कानपुर भानु भास्कर, आईजी रेंज का किया निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। अयोध्या में 5 साल की मासूम के साथ दुकानदार ने किया दुष्कर्म, शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कन्नौज पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कानपुर में राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार, होश में आए अभिनेता, गजोधर भैया के लिए मांगी गई दुआएं हुई कबूल, फैंस में खुशी की लहर। कुशीनगर में पुलिस और क्वाड टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान 2 वंचित अभियुक्त गिरफ्तार। कन्नौज में पुलिस प्रताड़ना से परेशान अधेड़ ने की आत्महत्या, 4 दिन पहले हुई थी भाई की हत्या, चौकी इंचार्ज पर लगा प्रताड़ित करने का आरोप। लखनऊ के हजरतगंज में किन्नर का हंगामा, आधी रात में सड़क पर लड़कों से भिड़ी किन्नर, आसपास के दुकानदारों ने समझाने की की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, तुगलपुर लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई के दौरान 2 नाइजीरियन गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में 3 मंत्रियों ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, मेडिकल कॉलेज में गंदगी देख भड़के मंत्री, मंत्री ने जमकर लगाई फटकार। लखनऊ में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर कार से भिड़ी, बाल बाल बचे राहगीर, ई रिक्शा और कार चालक, ब्रेक फेल होने के चलते हुआ हादसा। श्रावस्ती में मामूली विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, पेट्रोल डालकर युवक को जलाने का प्रयास, शिकायत के बाद मामला दर्ज, जांच जारी। अयोध्या में बीमारी से परेशान बुजुर्गों ने लगाई छलांग, जल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सरयू की जल धारा में डूब रहे बुजुर्ग को किया रेस्क्यू। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस का सराहनीय कार्य, लड़की का बस में छूटा बैग, चौराहे पर कार्यरत टीएसआई ने दिलाया वापस। श्रावस्ती में बोतल में पेट्रोल ना देने पर भड़के युवक, पेट्रोल पंप पर तैनात नोजल मैन के साथ की मारपीट, पेट्रोल पंप से कैश छीनने का भी आरोप। संबल में गैंगरेप के सभी 4 आरोपी अरेस्ट, गैंगरेप पीड़िता के सुसाइड के बाद एक्टिव हुई थी पुलिस। सिलेंडर से चल रही एम्बुलेंस की शिकायत पर भड़की कमिश्नर, मंडल की 108 102 एम्बुलेंस की जांच कर सिलेंडर मिलने पर कार्रवाई के निर्देश। आजमगढ़ की आतंकी सबदून की पहुंची एटीएस मुबारकपुर में, कई संदिग्धों के घर गई एटीएस, एक संदिग्ध को उठाए जाने की चर्चा। बहराइच में भाजपा विधायक ने पुलिस पर लगाए वसूली के आरोप, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, पूछा बुलडोजर कहां है। बदायूं में भीम आर्मी पर लाठीचार्ज, दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक की सियासी की मांग को एसएसपी ऑफिस जा रहे थे। गोंडा में घायल बुजुर्ग का ठेले पर इलाज, एम्बुलेंस नहीं मिली तो लाद कर पीएससी पहुंचा
बेड भी नहीं मिलने तो बाहर ही लगाएगी। मुरादाबाद में जेल पहुंचा 11 साल की बच्ची का रेपिस्ट। 45 साल की दुकानदार ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को अगवा कर किया था रेप। आगरा में पूर्व फौजी को बदमाशों ने मारी गोली। घायल अवस्था में स्कूटी से पहुंचा पुलिस चौकी। फिरोजाबाद में भागे प्रेमी प्रेमिका की। ग्रामीणों ने शादी करा दी। 4 दिन पहले युवती एटा के रहने वाले प्रेमी के साथ भाग गई थी। प्रतापगढ़ में सरकारी दस्तावेज गायब करने की एसआई पर एफआईआर। हाईकोर्ट के अधिवक्ता की मुकदमे में फाइल दरोगा ने नहीं की सुपुर्द। अमरोहा के हसनपुर में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। किशोरी ने बरसाए थप्पड़, महिला ने लातों से पीटा। घायल सीएससी से सेंटर रेफर। अलीगढ़ में शुरू हुई पुलिस खेल प्रतियोगिता। 8 जिलों की टीमें होंगी शामिल। विजेताओं को मिलेगा मेडल। फतेहपुर में यमुना में दिखा मगरमच्छ। खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा जलस्तर। गांवों में घुसा पानी। बाढ़ चौकिया और राजस्व टीम अलर्ट। जालौन में यमुना ने खतरे के निशान को किया पार। तहसील मुख्यालय से टूटा कई गांवों का संपर्क। प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा जलस्तर। पीलीभीत जिला अस्पताल में डॉक्टर नदारत। इलाज के लिए युवा लगा रहे लाइन। हर दिन होती है लोगों को परेशानी। कौशाम्बी में विद्युत चोरी। थाने में 13,047 मुकदमे लंबित। एक इंस्पेक्टर पर है विवेचना की जिम्मेदारी। 2018 में थाने की हुई थी स्थापना। अंबेडकर नगर में किसान यूनियन का धरना। संगठन के जिलाध्यक्ष कहा सरकार की नीतियों के कारण बढ़ी महंगाई। बिजनौर में युवक का पेड़ से लटका मिला शव। एक दिन पहले हुआ था लापता। जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल 75 जिले के 75 खबरों ना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।